आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अमेरिकी विदेश मंत्री बोले, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिश्केक में स्वागत। एयरफोर्स के विमान का मलबा मिला, विमान में सवार सभी 13 लोगों की मौत। गुजरात से टला चक्रवात वायु का खतरा, मध्य प्रदेश में भी दिखा वायु का असर। इंदौर नगर निगम की बैठक में घुसकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट। और अब रेल में मिलेगी मसाज की सुविधा, सांसद ने कहा यह भारतीय सभ्यता के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे। एससीओ की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। बिश्केक एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एससीओ की बैठक में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस बैठक में दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के अलावा अफसर शामिल हुए। बैठक में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर नीतिगत बात हुई। इस बैठक के बाद भारत के प्रधानमंत्री की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी डेलीगेशन लेवल बातचीत हुई। एससीओ समिट के खत्म होने के बाद भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। यहां भारत के राजदूत आलोक दिमिरी ने बताया कि एससीओ समिट खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ 14 जून को वार्ता की शुरुआत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बिजनेस फोरम का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत भी होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चित हुए स्लोगन मोदी है तो मुमकिन है को अब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी दोहराया है। अमेरिका और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने को लेकर उन्होंने ये बात कही है। पोम्पियो ने कहा कि ट्रंप और मोदी प्रशासन के पास ऐसा करने का अनोखा अवसर है। पोम्पियो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की इंडिया आइडियाज समिट में भारत की पॉलिसी पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें हाल ही के कैंपेन में कहा था, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आगे की ओर देख रहा हूं कि मेरे लोगों के लिए क्या संभव हो सकता है। बता दें कि अमेरिका के सेक्रेटरी इस महीने के आखिरी में भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इसके पूर्व उन्होंने इसे बेहतर दौरा होने की उम्मीद जताई है। वे यहां पीएम मोदी के साथ ही विदेश मंत्री एम जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। पोम्पियो ने दोनों देशों के संबंध को और बेहतर करने के लिए बड़े विचारों और बड़ी संभावनाओं की एक सूची भी तैयार की है। उन्होंने जोड़ा कि वो दोनों देशों के लोगों के लिए साथ मिलकर बेहतर करना चाहते हैं। एयरफोर्स की सर्च टीम को लापता हुए विमान AN-32 का मलबा मिल गया है। क्रैश साइट पर कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं मिला। विमान के सवार सभी 13 लोगों के शव और ब्लैक बॉक्स मिल गया है। बड़ी मशक्कत के बाद एयरफोर्स के विमान AN-32 का मलबा अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में दिखा तो एयरफोर्स की टीम वहां पहुंची। इस विमान में 13 लोग सवार थे। सभी लोगों के परिवारों को वायुसेना ने सूचना दी है कि क्रैश साइट पर कोई जिंदा नहीं मिला है। असम के जोरहाट से 3 जून को उड़ने के बाद ये विमान लापता हो गया था। इसकी तलाश में जुटी वायुसेना की टीम आज क्रैश साइट पर पहुंची तो उसे मायूस करने वाली खबर मिली। टीम के मुताबिक मौके पर कोई भी शख्स जिंदा नहीं मिला है। इस विमान में कुल 13 लोग सवार थे। सभी 13 अफसरों और जवानों के शवों के अलावा विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। मोदी कैबिनेट ने आधार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब लोगों को हर जगह आधार कार्ड नंबर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कैबिनेट द्वारा आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दी गई है। अब आम लोगों को हर जगह आधार कार्ड देने की जरूरत
नहीं होगी। मोदी कैबिनेट ने आधार को लेकर यह फैसला किया है, जिसके तहत कानूनी सहमति के अलावा अन्य किसी भी मामले में आधार देना अनिवार्य नहीं होगा। सरकार की गवर्नमेंट सब्सिडी आम लोगों तक आसानी से पहुंचे, इसके लिए ही आधार कार्ड की मदद लेने की योजना रही है। कैबिनेट के निर्णय के बाद UIDAI को आधार डाटा सुरक्षित करने और उसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पहले से बेहतर सिस्टम मिलेगा। इस नियम के बाद अब किसी को भी अपनी पहचान बताने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है। जब तक कानूनी तौर पर यह जरूरी ना हो जाए, आम जनता की सुविधा के मद्देनजर बैंक खाता खोलने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड की कॉपी को स्वैच्छिक करने की जानकारी सामने आ रही है। गुजरात पर चक्रवात वायु का खतरा टल गया है, लेकिन अगले 24 घंटे राज्य के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। गुजरात के तटीय क्षेत्र में अभी तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर दी है कि चक्रवात वायु की दिशा बदल गई है। एनडीआरएफ डीजी ने चक्रवात वायु को लेकर कहा कि अभी 24 घंटे लोग इंतजार करें, अफवाहों पर विश्वास ना करें और धैर्य से शेल्टर कैंप में रहें। मौसम विभाग ने भी कहा कि लैंडफॉल नहीं हो रहा है, लेकिन हवा की स्पीड तेज होगी और देर तक रुकेगी। वैसे गुजरात पर चक्रवात वायु का खतरा टल गया है, अगले 24 घंटे राज्य के लिए बेहद अहम हो सकते हैं। गुजरात के तटीय क्षेत्र में अभी तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। इस बीच समंदर अभी अपना विकराल रूप ले रहा है। राज्य में सुरक्षा के लिए लगे हुए एनडीआरएफ के डीजी SN प्रधान ने कहा है कि अगले 24 घंटे अहम है। बता दें कि राज्य में 52 से अधिक एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। गुजरात के तटीय इलाकों में अभी भी अलर्ट जारी है। गौरतलब है कि पहले ऐसा कहा जा रहा था कि चक्रवात वायु का असर पूरे राज्य में दिख सकता है, लेकिन अब वायु की दिशा बदल गई है। इस वजह से खतरा अब सिर्फ तटीय इलाकों में ही रह गया है। इसकी वजह से गुजरात के द्वारका, वेरावल के अलावा कई तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक पहुंचने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से वायु तूफान को लेकर फोन पर बात की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार चक्रवात वायु से निपटने के लिए राज्य की हर संभव मदद करेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भीषण गर्मी से तप रहे मध्य प्रदेश पर वायु तूफान का असर नजर आया और दिन में तापमान में कुछ कमी हुई, कुछ जगह बारिश भी हुई, जिस कारण लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। भीषण गर्मी और उमस के बीच मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश का दौर आरंभ हो गया है। बारिश से लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली है। प्रदेश में वायु का असर भी नजर आया, जिस कारण हवाओं के साथ बादल आते जाते रहे। ग्वालियर के खनिया धान में पिछले 20 दिनों से जबरदस्त गर्मी झेल रहे लोगों को उस समय राहत मिली जब गुरुवार दोपहर अचानक आसमान में बादल छाने लगे तथा दिखते दिखते जोरदार आंधी के बीच बारिश ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। खनिया थाना सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी आधा घंटे जमकर बारिश हुई। हालांकि बारिश शुरू होते ही पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। जबलपुर में भी दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई, कुछ स्थानों पर आंधी से पेड़ भी गिर गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान वायु के असर से बादल छाने लगे हैं, इस वजह से लोगों को भीषण गर्मी से आंशिक राहत मिल रही है। इसके प्रभाव से दिन भर हवा का रुख दक्षिणी बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार अन्य हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, इससे अधिकतम तापमान में और गिरावट आएगी। तूफान के असर से अभी 2 से 3 दिन तक गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रिलियंट कन्वेक्शन सेंटर में चल रहे इंदौर नगर निगम के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ता अंदर घुस गए और जमकर हंगामा किया और एमआईसी सदस्य के साथ झूमा झटकी की। इस हंगामे के बाद महापौर मालनी गौड़ पार्षदों के साथ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभद्रता का केस दर्ज कराने लसूड़िया थाने पहुंचे। नगर निगम के बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ता सदन के अंदर घुस आए और हंगामा किया, जिसके बाद महापौर, सांसद और विधायक मामले की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस ने एफआईआर की बजाय सिर्फ जांच करने की बात कही। इसके बाद महापौर के साथ सभी भाजपा पार्षद थाने के बाहर बैठकर भजन करने लगे। उन्होंने इस दिन को नगर निगम के इतिहास का काला दिवस बताया है। वहां मौजूद विधायक महेंद्र हाड़िया ने भी इसे शर्मनाक घटना बताया। जानकारी के मुताबिक चिंटू चौक से के नेतृत्व में वार्ड के लोग निगम परिषद सम्मेलन में पहुंचे और प्रदर्शन किया। जल संकट से परेशान लोग यहां टेंट लगाकर अफसरों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद वे सम्मेलन हॉल में घुस आए और जमकर नारेबाजी करने लगे और भाजपा पार्षदों को मारने की बात कही। सभापति अजय सिंह नरुका ने हंगामा कर रही माधवी चौकसे को निलंबित करने की चेतावनी दी। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को कहा कि इन लोगों को बाहर निकलवाइए, वे अपशब्द कह रहे हैं। इसके बाद हंगामा बढ़ा तो मामला पुलिस तक पहुंचा। इतिहास का काला दिन है जब वो चिंटू चौकसे जी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने अधिकारियों को बोला था यहाँ सुरक्षा व्यवस्था करें, उन्होंने नहीं सुना क्योंकि पूरे अधिकारी कांग्रेस की सरकार के दबाव में हैं और कांग्रेस के चिंटू चौकसे जी ने और उनकी पूरी टीम ने 144 धारा लगी हुई इसका उल्लंघन किया है। हम रिपोर्ट करवाने जा रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस ने रीवा में एक राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। राजस्व निरीक्षक 5,000 रुपए की घूस ले रहा था। रीवा में एक राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जवा तहसील के सर्किल उतरेला में पदस्थ आरआई राम शिरोमणि तिवारी गंगा सागर पांडे से 5,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। आरोपी ने शिकायतकर्ता से उसके पैतृक जमीन के सीमांकन की कार्यवाही करने के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। यह कार्यवाही लोकायुक्त पुलिस निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा के नेतृत्व में की गई। विवाह समारोह में एक छोटी बच्ची का अपहरण कर उसके साथ कुकृत के मंसूबे से ले जा रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। छतरपुर के नौगांव में एक मासूम हैवानियत का शिकार होने से बचा ली गई। दरअसल महाराजपुर में एक शादी समारोह में 12 साल की बेटी अपने पिता के साथ आई थी। बीती रात अचानक एक युवक इस मासूम का मुंह दबाकर अपहरण कर बाहर ले जाने लगा। तभी शादी समारोह में मौजूद लोगों ने देख लिया और लोगों की सजगता के चलते पहले इस बदमाश के चंगुल से मासूम को छुड़ाया और फिर तबीयत से इसकी पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं सहित पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया है। कल रात में करीब 1:30 बजे देवेंद्र सोनी निवासी मदनपुरा थाना महाराजपुर के अपनी 12 साल की बच्ची शायद रिपोर्ट के ले आए थे कि वो यहाँ नौगांव में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे रामलीला मैदान में। तो एक नासिर खान पता मुख्तार खान नाम का व्यक्ति उसको बच्ची का हाथ पकड़ के मुँह पकड़ के बाहर तरफ ले जाने का प्रयास किया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसको लोग साथ में लेकर भी आए थे। तो IPC और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसे जेल भेजा जा रहा है। कल ये हुआ कि हमारी बहन के देवर की शादी थी मानस भवन से, तो एक आदमी आया और उसने हमारी बच्ची के मुँह पर हाथ लगाया, हाथ पकड़ के ले जाने लगा। तो कुछ लोगों ने वहाँ देखा तो उस आदमी को पकड़ा और उस पकड़ करके जो है सब लोगों ने उसका घेराव कर लिया जिससे जाने ना पाए। और फिर इसके बाद हम लोगों थाना नौगांव में आकर के FIR की उसकी। रीवा के प्रभारी मंत्री लखन घंघोरिया ने लक्ष्मण बाग मंदिर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश अधिकारी को दे दिए हैं। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उनका श्रीफल शॉल देकर सम्मान किया गया। लखन घनघोरिया अपने रीवा प्रवास के दौरान लक्ष्मण बाग मंदिर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को लक्ष्मण बाग मंदिर संस्थान की भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्हें बताया गया कि गौर संरक्षण के लिए गौशाला निर्माण कार्य किया जा रहा है। लखन कहा कि लक्ष्मण बाग मंदिर समिति में विशुद्ध रूप से सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही शामिल किया जाए और यह प्रयास किया जाए कि वे संस्थान की सदैव वृद्धि हो और लक्ष्मण बाग मंदिर सदैव आस्था का केंद्र बना रहे। जितने लोगों के अतिक्रमण की सूची है, 60 एकड़ जमीन कितनी बची है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोर्ट का भी मसला भरा हुआ है।
लेकिन जहां हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि हम इसको कहां तक बचा सकते हैं, इसको जरूर हमको प्रयास करना चाहिए। बड़ा कठिन है आप गौशाला को पृथक करना और संस्थान भूमि को पृथक करना। राजनीति करने वाले लोग जब पवित्र स्तर पर राजनीति कर सकते हैं तो कहीं और भी कर सकते हैं। इस बात के लिए मानसिक रूप से हम आप लोगों को तैयार होना चाहिए, क्योंकि वोट गाय के नाम पे राजनीति करने वाले लोग गौशाला के नाम पे कर रहे हैं। उन्होंने संस्कृत एवं संस्कृति बचाओ समिति की मांगों पर सहमति जताते हुए सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं उन्नति की दिशा में कार्य किया जाएगा और वचन पत्रों के सभी बिंदुओं की पूर्ति की जाएगी। इस अवसर पर संस्कृत एवं संस्कृति बचाओ समिति के अध्यक्ष कुशाल प्रसाद शास्त्री ने मांग पत्र प्रस्तुत किया। सांसद शंकर लालवानी ने ट्रेन में शुरू की जाने वाली मसाज सुविधा का विरोध किया है। उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल को इसके लिए एक पत्र लिखकर इसे भारतीय सभ्यता के खिलाफ बताया है। रेलवे रतलाम रेल मंडल में यात्रियों को चलती ट्रेन में मसाज करवाने की सुविधा देने जा रहा है, लेकिन इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने इस पर एतराज जाहिर किया है। लालवानी का कहना है कि ये हमारी भारतीय सभ्यता के खिलाफ है। महिलाओं के सामने इस तरह की सेवा रेलवे द्वारा शुरू करना गलत है। उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल को इस बारे में एक पत्र लिखकर सुझाव भी दिया है कि मसाज की जगह ट्रेनों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधा होना चाहिए जो यात्रियों के लिए आवश्यक है। सफर के दौरान थकान होने पर यात्रियों के लिए रतलाम रेल मंडल प्रशासन मसाज की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहा है। योजना के तहत इंदौर के चलने वाली 39 ट्रेनों में मसाज प्रोवाइडर उपलब्ध रहेंगे। इसमें देहरादून इंदौर एक्सप्रेस, नई दिल्ली इंदौर इंटरसिटी एक्सप्रेस और इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस सहित मुख्य ट्रेनें शामिल हैं। यात्री अलग अलग दर में सिर या पैर की मसाज करवा सकेंगे। रेलवे ने इसके लिए एक फॉर्म को 20 लाख रुपए का ठेका भी दिया है। जून माह के अंत में इसकी शुरुआत होनी है। रतलाम रेल मंडल में शुरू होने वाली इस तरह की भारतीय रेलवे में पहली सुविधा है। भीषण गर्मी में पूर्व मंत्री ललिता यादव ने छतरपुर में लोगों को मठा और शरबत पिलाया और कहा सेवा कार्य का किसी भी पद से कोई लेना देना नहीं है, वह हमेशा जनता की सेवा करती हैं और करती रहेंगे। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी पूर्व मंत्री ललिता यादव अपने इलाके में सक्रिय हैं। गल्ला मंडी में अन्नपूर्णा मंदिर के पास भीषण गर्मी को देखते हुए ललिता यादव ने सभी को शरबत और मठा पिलाया और शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों से बातचीत की एवं उनकी समस्याएं सुनी। पूर्व मंत्री ललिता यादव ने कहा कि वे हमेशा जनता की सेवा एक सेवक की तरह करती रही हैं और करती रहेंगी। पद होने या नहीं होने से इस पर असर नहीं पड़ने वाला। मैं छतरपुर विधानसभा की सेवक रही हूँ और मैं सेवा का काम करें, जैसे निःशुल्क पानी पिलाना, शरबत पिलाना, सेवा करना, एक जो सेवक का कर्तव्य है उस कर्तव्य को मैं निभा रही हूँ। मैं चाहती हूँ, ईश्वर से कामना करती हूँ कि हमारी छतरपुर की जनता को कोई कष्ट ना हो और जितना मुझे बन सके उतना मैं सेवा करूँ, इसलिए ये कार्यक्रम रखा। मैं अभी गल्ला मंडी में छतरपुर क्षेत्र में गल्ला मंडी में यहाँ पर माननीय ललिता यादव जी द्वारा सब लोगों को ठंडा एवं जूस पिलाया जा रहा है। लगभग 50 डिग्री गर्मी हो रही है, फिर भी देखिए आपकी कितनी सुविधाएँ हो रही हैं बीजेपी सरकार में, और हमारी कामना है कि फिर से एक बार बीजेपी सरकार हो और हम लोगों को ऐसी ही सुख सुविधाएँ मिलती रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके लिए भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। वो कल्याण भाई, तूफान उफान शुरू हो गए बता रही हूँ, अपने टीन टप्पर संभाल के रखो। हाँ, वो वायु तूफान बड़ा खतरनाक किस्म का आ रही है, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। हाँ, और गुजरात पे आ रहा है, गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन मेरे को अभी खबर मिली है कि वो मोदी जी से मिलने आया था, वहाँ से टर्न मार रहा है, मतलब खतरा कुछ कम हो रहा है। हाँ, और पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान से जब भी कोई चीज़ आती, मैं बता रहा हूँ, वो आफत ही आती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धूल का गुबार उड़ रहा है और वो ये इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, ये तो चल रहा है। और उधर देखो, बंगाल की खाड़ी में वहाँ भी ये तूफान उठा हुआ है, ममता बनर्जी नाम का। वो भाजपा कार्यकर्ताओं की ये पिटाई वगैरह चल रही है, आंसू गैस के गोले वोले छोड़ रहे हैं। हाँ, ऐसा है, उसको भी संभालना पड़ेगा।
और ये खबर ये देख लो, राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए शरीर पे है ना मिट्टी वगैरह लपेट रहे लोग। और बता रहा हूँ मैं, मिट्टी है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसको लपेटोगे तो उससे क्या है हीट रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। हाँ, और ये पुरानी चीज़ें हैं ये, और आजकल तो लोग मैंने देखा कॉलोनियों में है ना जो जो भी मिट्टी होती है उसको भी ये खरिंजे जड़वा रहे हैं वहाँ। और मैं बता रही हूँ इतनी गर्मी हो जाएगी, मिट्टी रहती है तो उसमें पानी एब्जॉर्ब होता है, हीट रिफ्लेक्ट हीट को भी एब्जॉर्ब करता है, गर्मी कम करता है, ये तो चल रहा है बता। और ये खबर उत्तर प्रदेश की देख लो, वो पत्रकार महोदय वो ट्रेन हादसा कवरेज करने गए, उनकी पुलिस वालों ने वहाँ पिटाई लगा दी। बताओ ये भैया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसका सम्मान करो, बता रही हूँ। ये तो चल गया है। तो ये खबर और देख लो आप, लंदन से बता रही हूँ, सुना रही हूँ, विजय माल्या और नीरव मोदी इनकी तैयारी चल रही है इंडिया आने के लिए। इनका जो मुंबई में जो जेल है आर्थर जेल, जिसमें उनके कमरे वमरे बनने साफ सफाई शुरू हो गई है, बता रही हूँ। हाँ, ये बहुत जल्दी आने वाले हैं, इनके दर्शन होंगे। हाँ, भैया ये खबर ये देखो, इंदौर से खबर आ रही है, वहाँ पे एक कॉल सेंटर चल गया था, अमेरिकन लोगों को मूर्ख बना रहे थे वहाँ बैठ के, बताओ। और मैं तो अभी मेरे पास जो कॉल वॉल आते थे अमेरिका से, तो मैं डरता था ये मूर्ख बना रहे हैं अमेरिका वाले, इधर कॉल आ रहा है मेरे पास, कभी एक खाता बताओ, नंबर बताओ, ये बताओ। वही अब लेकर हमारे इंडिया वाले भी काम नहीं है, यहीं बैठे बैठे अमेरिका वालों को काम लगा दिए, बताओ। ये तो चल गया है। हाँ, और ये ट्रंप हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने बोला है कि भैया जो किम जोंग है उन्होंने बहुत अच्छा खत लिखा है अपने फ्रेंड को। अब बता रहे हो किम जोंग इतना खोखर आदमी, वो भी अच्छा खत लिखेगा? ये कभी आदमी के दिल में भी जगह होती है, हो सकता है अच्छी बातें लिखें कभी। हाँ, और ये खबर देखो इंडिया से, अभी 15 जुलाई को है ना चंद्रयान 2 लॉन्च हो रही है। हाँ, चंद्रमा पे पहुंच रहे हैं, और चंद्रमा पे पहुंच के आ रहे हैं, मेरे पास कुछ नेताओं का फोन आ गए, वो बोले भैया जर्जर भाई ये बताओ वहाँ प्लॉट वगैरह कट रहे हैं क्या? या तो पृथ्वी पे बहुत गर्मी पड़ रही है, हम वहीं रहेंगे, वहाँ पे ठंडक होगी। हाँ, और ये खबर ये देखो, रतलाम रेल मंडल जो है वो चलती ट्रेनों में मसाज करवाएगा, जो यात्री थक जाते हैं भैया ट्रेन में थकान हो जाती है, उनकी मसाज करवाएगा, बता रहे हूँ। इस पे लेके नहीं है ना, वहाँ के जो सांसद हैं इंदौर के शंकर लालवानी जी, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है, बोले ये तो गलत चीज़ है, ट्रेन में महिलाएं होती हैं उनके सामने ये मसाज वसाज करवाओ क्या, ये गलत चीज़ है, संविधान के खिलाफ है। मैं कह रहा हूँ अलग से कंपार्टमेंट वगैरह बना दो, वहाँ करवाओ, उसमें क्या है। अभी अभी देखो खबरें आ रही थी ना कि ट्रेन में लू से कितने लोग मर गए, अरे तो आदमी को थकान तो होती है। हाँ, और मैं भी भैया थक गया हूँ, न्यूज पढ़ते पढ़ते मैं भी मसाज करवाने जा रही हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।